सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में कोई भी इंट्रो वगैरह नहीं होने वाला है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया होगा हमारे प्रो राइडर 1000 अगस्त्य चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। सो गाइस, अगर सोर्सेज के माने तो वो अपने बाइक से दिल्ली जा रहे थे एंड यमुना एक्सप्रेस में उनकी बाइक का कंट्रोल लूज हो गया एंड उनका एक्सीडेंट हो गया एंड इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। लेकिन अभी अगस्त्य चौहान के फ्रेंड ड्रैगर Z900 की साइड से एक वीडियो आउट हुई है जहाँ पर उन्होंने बताया कि ये हिट एंड रन का केस है। जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी, वो भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए, पर इसको अभी बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड इस चीज़ को हुए मुश्किल से मुश्किल अभी 4 घंटे भी नहीं हुए हैं एंड आप लोगों के पास भी लाइक आ गई होगी व्हाट्सएप वगैरह पे काफ़ी उल्टी उल्टी खबरें। सो एंड कंफर्म हो चुकी है बात, लाइक प्रो राइडर 1000 अगस्त चौहान लाइक अब नहीं रहे। एंड गाइस, मेरी अभी उनके फादर से बात हुई, लाइक सुबह मेरे को कॉल आया, मैं सो रहा था, देन मेरे को एक सब्सक्राइबर का कॉल आया कि लाइक कि उनका एक्सीडेंट हो गया ऐसे करके, कि ऐसे ऐसे करके, और उसने कुछ फ़ोटोज़ भेजी, काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। उसके बाद गाइस, सो गाइस, ये वीडियो कुछ भी लाइक मैं आपको बस एक चीज़ बताने के लिए, लेकिन सभी यूट्यूबर्स को प्लीज़ जहाँ तक आप ये वीडियो पहुँचा पाए प्लीज़ पहुँचाए कि लाइक ये एक हिट एंड रन का केस है, प्लीज़ इसको ऐसे मत उठाओ। ठीक है, अगस्त्य भाई ने उससे पहले वीडियोस डाली थी कि मैं बाइक का एक बार को वीडियोस लाइक थोड़ा सा टॉप एंड चेक करूँगा एंड ये सब करूँगा, बट जिस समय वो आ रहे थे लाइक उन्होंने पूरे सेफ्टी गियर्स पहने हुए थे, पूरा हेलमेट वगैरह सब कुछ पहना हुआ था। बाइक की कंडीशन की फ़ोटो मैं आपको डाल देता हूँ, आप देख सकते हो, इसमें क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि ये एक हिट एंड रन का केस है। एंड अगस्त्य भैया के पापा से मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली यही कहा है कि आप एक वीडियो बनाओ एंड लाइक हर एक यूट्यूबर प्लीज़, हर एक से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चीज़ को प्लीज़ जितना हो पाए उतना शेयर करें। एंड भाई, जो उनके क्रैश की पिक्चर्स वगैरह निकल के आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हैं, मैं उन्हें यूट्यूब में भी शेयर नहीं कर सकता। एंड गाइस, प्रो राइडर 1000 की डेथ में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने रिएक्ट कराए, जैसे कि आप देख सकते हो कि आमिर माजिद ने अपनी स्टोरी में ये शेयर करा एंड साथ ही में ये पोस्ट अपलोड करी है जहाँ पर वो लिखते हैं वी ऑल मिस यू ब्रदर। एंड UK07 राइडर ने भी एक स्टोरी शेयर करी है जहाँ पर वो लिखते हैं रिप मेरे भाई, ओम शांति। एंड इसके बाद लाइफ मोटो वर्ल्ड ने भी एक स्टोरी शेयर करी जहाँ पर वो लिखते हैं इट्स हार्ट ब्रेकिंग न्यूज फॉर ऑल राइडर्स एंड बाइक लवर्स, रेस्ट इन पीस ब्रो अगस्त्य चौहान और प्रो राइडर 1000 इज नो मोर, टुडे ही मीट्स एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ राइड इन यमुना एक्सप्रेस वे। एंड इसके बाद बियर बाइकर सेमी ने भी एक स्टोरी शेयर करी एंड इसमें वो लिखते हैं यू विल बी फॉर एवर इन आवर हार्ट चैम। एंड साथ ही बियर बाइकर सेमी ये भी बताते हैं कि इस इंसिडेंट के बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं, बेसिकली वो अगस्त्य चौहान के साथ राइड पे नहीं गए थे एंड उन्हें सुबह 9:56 में पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। ऑल्सो उन्होंने ये भी स्टोरी शेयर करी कि फास्ट राइड मत करा करो। ऑल्सो JS पाजी ने भी इस पे रिएक्ट करते हुए एक स्टोरी शेयर करी है जिसमें वो लिखते हैं कि वो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे अगस्त्य चौहान की एक्सीडेंट वाली पिक्चर्स को देखकर। ऑल्सो इश्तियाक जी ने भी इस पे रिएक्ट करते हुए लिखा रिप प्रो राइडर 1000, ये क्या हो गया ब्रो, यकीन नहीं हो रहा है। एंड द बिग डील ने भी अगस्त्य चौहान के लिए एक स्टोरी शेयर करी जिसमें वो लिखते हैं मे योर जेंटल सोल रेस्ट इन परफेक्ट पीस। बाकी भाई, ड्रैगर भाई ने लिखा है कि कल अगस्त्य चौहान की लास्ट जर्नी में सबको आना है, प्लीज प्लीज प्लीज। सो भाई, मैं तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि काफी ज्यादा दुख हुआ एक क्रिएटर के बारे में ऐसा कुछ सुन के जो कि अपने देहरादून का ही था एंड जिसके मैं रेगुलर व्लॉग्स भी देखा करता था। सो भाई, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। एंड आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी राइड वगैरह करता है वो ओवर स्पीडिंग ना करें। नई सुपर बाइक के बारे में प्लानिंग मेरी फाइनल होने वाली है बस कुछ ही दिनों में। पापा पापा पापा।